आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोटैटो चीज़ी बॉल्स, जो हर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चीज़ से बनी हुई कुछ भी चीज़ें हो, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं, जब भी उनका कुछ चटपटा तीखा खाने का मन हो तो आप ये पोटैटो चीज़ी बॉल्स बना सकती हैं। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में एकदम टेस्टी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पोटैटो चीज़ी बॉल्स बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें हम 3 उबले हुए आलू डाल लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, आप चाहें तो कद्दूकस भी इसे कर सकते हैं। अब 4 बड़े चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, नॉर्मल ब्रेड को मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। तो 4 बड़े चम्मच हम ब्रेड क्रम्स डाल लेंगे। 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक लेंगे और 2 बड़े चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे, इसकी जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 3 बड़े चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स ज़्यादा ले सकते हैं या आप नॉर्मल ब्रेड को ऐसे ही तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच हम तेल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल डो की तरह जैसे आटा लगाते हैं एकदम ऐसा तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे और 2 चम्मच इसमें मैदा डाल लेंगे। इसकी हम स्लरी तैयार करेंगे, यानी कि घोल तैयार करेंगे। 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे और 1/4 कप मैंने यहाँ पानी लिया है। तो घोल तैयार कर लेंगे। देखिए घोल अच्छे से तैयार कर लिया है, एक भी लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हम और इसे हम घोल कर लेंगे बिल्कुल ऐसे, और हथेली पर हल्का सा फैला लेंगे और इसमें बीच में हम जगह बना लेंगे और यहाँ हम एक चीज़ के क्यूब्स रख देंगे। आप चाहें तो आपके पास मोजरेला चीज़ है या कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। इसे अच्छे से बंद करेंगे और फिर से इसको गोल कर लेंगे। तो ऐसे ही हम बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसे, और बना लेते हैं ऐसे ही। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे गोल करेंगे अच्छे से और फिर हथेली पर फैला कर इसमें हल्की सी जगह बना लेंगे हम, जिसमें अच्छे से हम चीज़ भर सकें। तो चीज़ के क्यूब्स रख देंगे और अच्छे से इसे बंद कर देंगे। चीज़ को अच्छे से बंद करना है, बिल्कुल बाहर बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम इसे फ्राई करेंगे तो ये निकलने लग जाएगा। ऐसे ही तैयार कर लेंगे सारी चीज़ बॉल्स को हम। देखिए बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, अब फ्राई कर लेंगे हम। तो फ्राई करने से पहले जो हमने घोल बनाकर तैयार किया है, पहले बॉल्स को उसमें डिप करेंगे और थोड़ा सा मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स लिया है। तो पहले बॉल्स को हम घोल में अच्छे से डिप कर लेंगे बिल्कुल ऐसे और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स को अच्छे से लपेट लेंगे बिल्कुल ऐसे, अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए ऐसे, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगेंगी ये। पहले बॉल्स को हम इसमें डिप करेंगे घोल में और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट लेंगे। ऐसे ही हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसे। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है, ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए। डाल लेंगे इसमें बॉल्स
और डालने के तुरंत बाद इसे टच नहीं करना है, हल्का सा कलर आए तभी हम इनको अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। देखिए आप कलर देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है। 3 से 4 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो बाहर से ये पक जाएंगी और अंदर से बिल्कुल अच्छे से चीज़ मेल्ट नहीं होगा। देखिए बहुत प्यारा कलर आया है, निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर। देखिए बहुत प्यारा कलर आया है, और जो बाकी बच गई हैं उन्हें भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है, ये भी फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे एक पेपर पर। सारे ही बॉल्स हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। पोटैटो चीज़ी बॉल्स बनकर तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं और एकदम खाने में मज़ेदार हैं। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं इसे। और कुछ ही सामान से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। जब भी आपके बच्चों का कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप उसे बनाकर ये दे सकते हैं। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, या फिर चाहे तो आप चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। वाओ, एकदम चीज़ भरा हुआ है इसमें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।